हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी बच्चों को। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपके लेसन एट्थ का ट्रांसलेशन चल रहा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसमें हम अपने ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्थ पर विद्यार्थी, द प्रोग्राम कार्यक्रम। आई वाज वर्किंग विद ऑन ली सोकाल्स्की। मैं ली सोकाल्स्की के साथ कार्य कर रहा था। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद अम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट एंड एम्स। उद्देश्य है टू डू करने का एग्जैक्टली ठीक से। डिस्पाइट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऐसे हाई स्कूल विद्यार्थियों को लेकर टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर पर, एंड प्रोवाइडिंग देम और उन्हें प्रदान करना विद अम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रमुख शैक्षिक अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज मौके अवसर, विच विल हेल्प देम जो उनकी मदद करेंगे, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एक नई समझ विकसित करने में। फोस्टर मीन्स होता है विकसित करना। फोस्टर विकसित करना। एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट, और हमारे ग्रह के प्रति सम्मान। अंडरस्टैंडिंग समझ। अंडरस्टैंडिंग का होता है समझ, ज्ञान। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ। इसमें अब 6 वर्ष का से समय चल रहा है, 6 वर्ष से कार्य चल रहा है। इन ऑपरेशन चल रहा है, इन ऑपरेशन चल रहा। एडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कैनेडियन जियोफ ग्रीन के नेतृत्व में, हेडेड नेतृत्व, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। हु जो गॉट टायर्ड, थक चुके थे, ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध व्यक्तियों को लाने ले जाने के काम से, कार्टिंग माल आदि का ढोना ढुलाई करना, सेलिब्रिटीज प्रसिद्ध व्यक्ति एंड रिटायर्ड और सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामान को ढोने से थक गए थे। रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे। रिच समृद्ध
क्यूरियोसिटी जिज्ञासु, सीकर्स तलाशी करने वाले, हुकड़ ओनली के बैग लिमिटेड बे, जो सीमित संसाधनों में सीमित रास्तों में वापसी प्रदान कर सकते थे, वापसी आ सकते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आईएस बरपर विद्यार्थियों के साथ ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, ही ऑफर्स वह रास्ते देता है द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज। द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर नीति निर्माता की भविष्य की पीढ़ी के लिए ए लाइफ चेंजिंग एक जीवन परिवर्तन के अनुभव को एट एन एज उम्र में। When they are ready to observe, जब वो तैयार होते हैं आत्मसात करना, किसी भी कार्य को किसी भी नीति को सीख करके अपने अंदर ढाल लेना, इसको बोलते हैं आत्मसात करना, मनन कर लेना, मन में उतार लेना। लर्न सीखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैक्ट, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है एप्मिस कार्य। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, वह कारण जिससे ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ, उसका कारण है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि असंभव है टू गो एनीवेयर कहीं भी जाना, नियर द साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं भी जाना असंभव है। एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और ये इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, असर डालना। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वायर सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ओवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इट्स इजी, ये आसान है, सरल है। टू बी ब्लेज, पता लगाना अबाउट पोलर आइस कैप्स, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के मेल्टिंग पिघलते हुए, वायर सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ओवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड, हमारे अलग अलग देशांतर के आरामदायक क्षेत्रों में बैठ करके, एंड लॉन्गिट्यूड और अक्षांतर। बट वेन यू कैन बिजली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब तुम बिजली सी कार्बन से देख सकते हैं ग्लेशियर हिमखंडों को रिट्रीटिंग पीछे हटते हुए, एंड आई स्लीप्स कोलैप्सिंग, और बर्फ के खंडों को ढेर होते हुए, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तुम ये महसूस करने लग जाते हैं कि द थ्रीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, वैश्विक गर्मी की धमकी बहुत ही वास्तविक है, बिल्कुल सत्य है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अपने सामान्य पारिस्थितिकी प्रणाली के कारण, द लेक ऑफ डाइवर्सिटी जैव विविधता की कमी, इकोसिस्टम इकोसिस्टम पारिस्थितिकी प्रणाली, लेक कमी, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, जैव विविधता इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी ना हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। इज द परफेक्ट प्लेस, महत्वपूर्ण यानी पूर्ण स्थान है अंटार्कटिका,
एक पूर्ण स्थान है टू स्टडी अध्ययन करने के लिए कि हाउ लिटिल चेंजेस, किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में कैन हैव हो सकते हैं बिग रिपरक्यूशंस, बड़े दुष्परिणाम अपने सामान्य पारिस्थितिकी प्रणाली के कारण और जैव विविधता कमी के कारण। अंटार्कटिका एक पूर्ण स्थान है अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार से लिटिल चेंज है, छोटे छोटे परिवर्तन का एनवायरमेंट पर्यावरण में कहने हो सकते हैं या छोटे छोटे पर्यावरण में छोटे छोटे परिणामों के कारण कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। रिपरक्यूशंस, दुष्परिणाम। कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोप फाइटोप्लैंकटन, टेक लेते हैं द माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म फाइटोप्लैंकटन को, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, वे सागर की घासें, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन, जो पालन पोषण करती हैं बनाए रखती हैं, द एंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, संपूर्ण दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को, एंटायर माने संपूर्ण होता है, फूड चेन भोजन श्रृंखला। दी सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे यूज द सन एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को काम में लेते हैं, उपयोग लेते हैं, टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट बंडरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू एसिमुलेट बनाने के लिए कार्बन और सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, संश्लेषित जैव यौगिकों को, ऑर्गेनिक जैविक, ऑर्गेनिक जैविक सिंथेसिस संश्लेषित यौगिकों को, दैट बंडरियस जो आश्चर्यजनक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता था, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। साइंटिस्ट वार्न दैट, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ये फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में आगामी क्षरण, डिप्लेशन कमी क्षरण, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन की गतिविधियों को प्रभावित करेगी, विच इन टर्न जिसके बदले में विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरिन एनिमल्स, सभी समुद्री जीवों का जीवन प्रभावित होगा, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्रीय पक्षियों का, रीजन मान क्षेत्र, बर्ड्स पक्षी, मैरिन समुद्री, समुद्र के समुद्री, समुद्र के, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक कार्बन चक्र का, इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन के संभाग में समांतर, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, पेरेबल समांतर समरूप, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का एक बड़ा रूपक है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का ध्यान रखें,
छोटी चीजों की देखभाल करें एंड द बिग थिंग्स विल फेलो इन टू प्लेस, और बड़ी चीजें अपने स्थान पर ठीक हो जाएंगी, अपना स्थान ले लेंगी। वाह कौन था ओशियन, माई अंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच हैप्पीनेस, मेरे अंटार्क्टिका का अनुभव जोश के क्षण से भरा था। बट द बेस्ट एक्यूट जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्क्टिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ, लेकिन द बेस्ट एक्यूट सबसे बड़ी घटना घटी जब 65.55 डिग्री दक्षिण के अंटार्क्टिका वृत्त पर द सोकाल्सकी हैड मैनेज टू बेज एज हर्सेल्फ इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेस ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला। द सोकाल्सकी हैड मैनेज, सोकाल्सकी हैड मैनेज ने प्रयास किए थे टू बेज हर्सेल्फ इनटू ए थिक वाइस, अपने आप को एक छोटी सी मोटी सफेद फैली बर्फ में जाने के लिए बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइसलैंड, पेनिनसुला टेडपोल आइसलैंड द्वीप के बीच में, विजवास प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निश्चय किया कि वी वर गोइंग टू, हम जा रहे थे टर्न राउंड वापस मुड़ते एंड हेड बैक नॉर्थ उत्तर की ओर वापस, बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमने ऐसा किया उससे पहले, वी आर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको निर्देश दिया गया टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, तख्ते से होकर नीचे उतरने के लिए एंड बाक ऑन द ओशियन सागर पर चलने को। सो दियर बी आर, इसलिए दियर बी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सब 52 व्यक्ति किटेड आउट इन गोर टैक्स एंड गिलियर्स, पूरे साज और सामान से, जो पूरी जो खाने पीने किट थी, सामान का किट था, उसको लेकर गोर टैक्स बर्फ की एंड गिलियर्स, वाकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस बिटनेस दैट सीम टू स्पीड आउट फॉर एवर, बागों हम चलते रहे स्टार्क विटनेस मात्र सिर्फ सफेदी पर, दैट सीम टू स्पीड आउट फॉर एवर, जो हमेशा से ही फैली प्रतीत होती। अंडरनीथ अवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी बर्फ की परत थी, थिक मींस मोटी, थिक मींस मोटी, एंड अंडरनीथ दैट वाज के नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग, 180 मीटर नीचे लिविंग जीवन, ब्रीथिंग सांस लेता हुआ साल्ट वाटर, खारा पानी का। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर सील्स, इन द पेरीफेरी भारी परिधि में क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रा डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द बनियान ट्री। क्रैब ईटर सील, कैकड़े खाने वाली मछलियां, जिसका नाम सील है, क्रैब मीन्स कैकड़ा, बर स्ट्रेचिंग एंड अंगड़ाई ले रही थी एंड सनिंग देमसेल्व, अपने आप की धूप सेक रही थी ऑन आइस फ्लोज बर्फ पर, विच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द ए बनियान ट्री, जैसे बरगद के पेड़ की छाया में आवारा कुत्ते कर रहे होंगे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, एवरीथिंग डज नीड इंडीड कनेक्ट, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेंस, ये कुछ भी नहीं था, शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, वास्तविकता के प्रकार से, एवरीथिंग डज नीड कनेक्ट, निसंदेह सभी चीजें एक जुड़ी होती हैं। नाइन टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर सागर, 3 सागर एंड मैनी इको फेयर्स लीडर, और कई परिस्थितिकी परतें, आई वाज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अ प्लेनेट, आई वाज स्टिल वंडरिंग, मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, सुंदरता के इस बैलेंस संतुलन में, इन प्ले ऑन अ प्लेनेट, हमारे इस ग्रह की भूमिका में, हाउ गुड इट बी, कैसा होगा इफ अंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, यदि अंटार्क्टिका एक गर्म स्थान हो जाए, दैट वंस यूज टू बी, जैसे एक बार कभी हुआ था, विल बी
बी अराउंड टू सी इट, विल बी अराउंड टू सी इट, हमारे आसपास क्या देखेंगे, विल बी अराउंड टू सी इट, हमारे आसपास क्या होगा, क्या हमारे पास को देखने को है। और वुड बी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, वुड बी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर, डायनासोर्स वुड बी हैव गोन, क्या हम भी चले जाएंगे द वे ऑफ डायनासोर, डायनासोर्स की तरह। ममूथ्स ऑफ बुली राइनोज, ममूथ्स विशालकाय जीव और बुली राइनोज ऊन वाले गैंडों की तरह। हु इज टू से, कौन कहता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन किशोर वय बच्चों के समूह के साथ दो सप्ताह बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनमें अभी भी संसार को बचाने के लिए आदर्शवादिता है, आइडियलिज्म आदर्शवादिता, आइडियलिज्म, आदर्शवादिता, ऑल आई कैन से, और मैं सब कुछ कह सकता हूं, इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ घटना घटित हो सकती है, बट व्हाट डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन ये दिन कितना अलग हो सकता है, कितना अलग है। ये आपकी तिसानी दोषी का लेसन हुआ पूरा। धन्यवाद।